हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एकेडमी क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हिंदी क्लासेस को। तो हिंदी की पिछली कक्षा में मैंने आपको जो सर्वनाम पढ़ाया था और सर्वनाम के जो भेद थे हमारे छह, उसमें से मैंने आपको स्टार्टिंग के तीन भेद पढ़ा दिए थे। तो शेष जो तीन भेद रह गए उनको हम आज क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्टिंग के मैंने आपको तीन भेद पढ़ाए थे, कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम एवं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आगे जो शेष बचे हुए हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, सर्वनाम पढ़ रहे थे, और सर्वनाम में भी क्या पढ़ रहे थे, सर्वनाम के भेद। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? सर्वनाम के भेद के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे थे, जो कि छह प्रकार से थे। एक था पुरुषवाचक सर्वनाम, एक था निजवाचक सर्वनाम, एक था यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद कौन सा था यहाँ पे, निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर कौन सा था अनिश्चय, लास्ट में कौन सा था इसमें, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये छह सर्वनाम थे, इसमें से मैंने आपको ये तीन पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे और तीन ये शेष रह गए हैं। तो हेडिंग लिखना आप इसमें सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अब निश्चय मतलब क्या होता है, श्योरिटी, मतलब कोई भी चीज हम को लेकर हम श्योर हैं, पक्के हैं कि वो चीज है, तो उसको लेकर क्या बोलते हैं अपन, निश्चय वो कहते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य क्या होगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी भी विषय वस्तु की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाता हो, वहां किसका प्रयोग करते हैं अपन, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लेना, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी विषय वस्तु की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाता हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि चाय में मक्खी गिर गई और आपने उसको गिरते हुए देख लिया, देखा, तो आप क्या बोलोगे? तो मैं आपसे पूछूंगा क्या चाय मक्खी गिरी है, क्या आप इस बात को लेकर श्योर हो, निश्चित हो? तो आप बोलोगे हाँ भाई मैंने देखा है और मुझे दिख भी रही है, ऊपर तैर रही है। तो जब हम किसी वस्तु को लेकर श्योर होते हैं, नहीं ये तो हो जाएगा, तो वहां क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जो हिंदी भाषा होती है और उसमें जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं वह कितने होते हैं, यह एवं वह, कितने होते हैं बच्चों? इसमें दो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है यह और एक क्या होता है, वह। जो यह होता है, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग समीपता के लिए करते हैं, किसी वस्तु के जब समीप होती है तो उसके लिए यूज करते हैं, और जब कोई वस्तु क्या होती है, दूर, दूरस्था, किसी वस्तु के दूर के लिए, किसी वस्तु की समीपता के लिए यह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु की दूरी के लिए वही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। और वही चीज क्या होना चाहिए, अपने आप में निश्चित होना चाहिए। जैसे सपोज आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, अचानक आपका नीचे पेन गिर गया, और तो आप क्या बोलेंगे, किसी और का पेन गिर गया और आपको मिल गया, तो आप क्या बोलोगे, उस पेन को उठा के ऐसे करके बोलोगे, यह पेन किसका है? आपसे टीचर से बोलोगे, सर सर करके बोलो ना ऐसे कि यह पेन, या फिर क्लास से बोलोगे यह पेन किसका है, तो पेन और आपके बीच में जो दूरी है वह क्या है, बहुत कम है, मतलब समीप है हम उसके, और हम निश्चित हैं ये पेन ही है, तो क्या होगा, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन, यह शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति आपके घर आता है और आपसे पूछता है कि यह किसका घर है, जैसे मान लो आपके घर के बगल में किसी घर है, तो क्या बोलेगा वो, क्या पूछेगा, ये उनका ही घर है क्या, ये रमेश प्रसाद का घर है यह, और मान लो वही घर थोड़ा दूर है, बहुत दूर, मतलब चार पांच छह घर छोड़कर है वही घर, तो क्या पूछेगा, वो वाला घर क्या रमेश जी का है क्या वो, या फिर वह घर क्या उनका है। तो जब दूर के लिए अपन बात करें तो वह क्या होता है, वह का प्रयोग करते हैं अपन निश्चय सर्वनाम के लिए, और पास के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग। जैसे यह घर किसका है, वो है घर किसका है, वह मतलब दूर के लिए, यह मतलब किसके लिए, पास के लिए। तो परिभाषा तो आप उसकी समझ ही गए होंगे कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराने के लिए करते हैं, तो वह क्या होता है अपना, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लोग लिए मैं आप बता दूं, उदाहरण लिख लेना इसके,
यह मेरा पेन है, यह मेरा, या पर यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। श्योर हो पुस्तक को लेकर? हाँ मैं श्योर हूं। दूसरा क्या ले सकते हो यहां पे? वहां देखो वह कौन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कौन भी आ गया तो ये वाला क्या बन जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और वह क्या हो जाएगा यहाँ पे? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अभी वहां में भी आ जाएगा क्योंकि दूर के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, थर्ड क्या मान लिख लोगे? थर्ड में लिखना यह रमेश का घर है। कोई पता पूछता है ना, कह देंगे हाँ यही रमेश का घर है, तो श्योरिटी हो गई उसको। तो ऐसे जब भी यह और वह आए, इसको लेके अपन दूरस्थ एवं और समीपता के लिए बात होती है तो वहां क्या होता है? हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट अगला वाला। इसको पहले मैं कर देता हूँ रफ, आगे बढ़ते हैं अपन। इसको रफ कर दूं मैं, अनिश्चय के बारे में। अब अगला जो होगा अनिश्चय वाला, वहां क्या होगा? पांचवा जो होगा अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब किसी भी चीज को लेकर अपन निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी विषय वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराने के लिए होता है, मतलब जहां पर विडंबना आ जाए कि हमें नहीं पता कि ये चीज हो भी रही है और नहीं भी हो रही है, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं अपन? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और ये कितने होते हैं हमारे? ये दो होते हैं, एक होता है इसमें कुछ और एक क्या होता है इसमें कोई, और इसी में एक और क्या आता है किसी। एक सर्वनाम कौन सा होता है? कुछ। और दूसरा क्या होता है? कोई एवं कुछ। तो जो कोई एवं किसी, जो कुछ होता है इसका प्रयोग करते हैं निर्जीवता के लिए, और जो कोई और किसी होता है इसके प्रयोग करते हैं सजीवता के लिए। और उस चीज को लेकर अपन क्या हो? निश्चित ना हो, तो वहां पे क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे बता रहा हूं, उससे आप समझ जाना कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैं कुछ के लिए। कुछ मतलब जब हम निर्जीव वस्तुओं के लिए बात करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं अपन? कुछ का प्रयोग करते हैं। अब देखो अनिश्चित कैसे बनेगा वहां पे। सपोज आपको किसी ने गिफ्ट दिया एक डब्बे में बंद करके, पैक करके, बढ़िया कवर वगैरह करके, रैपर रैपर लगा के आपको दे दिया, तो आप क्या बोलोगे? मन में आप क्या शंका आएगी? जो व्यक्ति मुझे ये गिफ्ट दे के गया है उसको देखकर आप क्या बोलोगे? यार इसमें कुछ तो है, यही सोचोगे ना? या मतलब उसने मुझे कुछ तो इसमें दिया है, कुछ तो होगा बस। अब वो पूरा पैक है पूरा, अब अंदर तो हमें नहीं पता क्या है। अब जब हमने कुछ का प्रयोग किया कि इसमें कुछ तो है, अब जब कुछ होगा कि हम निश्चित हैं क्या है, लेकिन जो भी होगा वह क्या होगी? वस्तु होगी। और वस्तु क्या होती है? निर्जीव होती है। और उसने बोला कि कुछ तो है, तो उस कुछ को लेकर हम निश्चित हैं क्या? हो सकता है खाली भी हो सकता है, कुछ भरा भी हो सकता है, तो उसको लेकर हम श्योर नहीं है। तो जब भी हम किसी वस्तु को लेकर श्योर नहीं होते हैं और उसके लिए कुछ का प्रयोग कर रहे हैं निर्जीवता के आधार पर, तो वह क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले की, कोई और किसी की। अब रात का समय है, सुनो इसको सुनना, रात के 11 बज रहे हैं, सपोज बज रहे हैं, इतने में आपके द्वार पे कोई आया, वो किसी ने गेट क्या कर दिया, दो तीन बार उसको बैल होती है उसको बजा दिया या फिर खटखटा दिया, तो क्या होगा? घर का जो बड़ा सदस्य होगा या कोई भी होगा, यदि आप सभी लोग जाग रहे हो तो क्या बोलेंगे? माँ मान लो जाग रही है तो क्या बोलेंगे मम्मी तुमसे कि देखो कोई आया है? क्या कहेंगे? देखो कोई आया है, मतलब गेट के उस पार है कोई भी। अब जो भी आया है व्यक्ति, क्या उसको लेकर अपन श्योर है कि कौन आया है? इतना जरूर कह सकते हैं कि जो भी वो व्यक्ति आया है
वह क्या होगा? सजीव होगा, प्राणी होगा। तो जब हम, और जो उस तरफ गेट के खड़ा है, क्या उसको लेकर अपन श्योर हैं क्या कि वो महिला है, पुरुष है, क्या मोहन है या सोहन है, जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, क्या हम श्योर हैं? बिल्कुल श्योर नहीं है। रात के समय कोई द्वार पे आ गया, किसी ने खटखटा दिया, तो क्या बोलेंगे? कोई आया है, गेट जाके खोलो, कोई आया हुआ है। तो कोई आया है मतलब हमें नहीं पता, हम उस चीज को लेकर क्या है, अनिश्चित है, अनश्योर है कि नहीं है। तो क्या परिभाषा बनेगी? ऐसे सर्वनाम शब्द जो कौन कौन से होते हैं, कुछ निर्जीवता के लिए, कोई और किसी सजीवता के लिए, जिनका प्रयोग अनिश्चितता के लिए किया जाता हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण क्या लिखोगे? इसका लिख लोगे क्या? कोई द्वार पर आया है। इसका क्या लिखोगे? इसमें कुछ तो है कि नहीं है, इत्यादि करके आप इसमें एग्जाम्पल लिख लेना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, अनिश्चयवाचक वाला। अब इसका एक पार्ट और बचा है, निश्चयवाचक वाला, वो सॉरी संबंधवाचक वाला, वो और जान लीजिए। तो ये अपना क्या होगा, सर्वनाम आज कंप्लीट हो जाएगा। संज्ञा मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो सिक्स्थ वाला इसका प्रकार लिखना, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध को बताने वाला, क्या होता है ये? तो इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताते हो। ऐसे सर्वनाम शब्द जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में संबंध बताते हो, और संबंध बताने के लिए कारक शब्दों का प्रयोग ना किया गया हो, वहां हमेशा क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और इसमें अधिकांशता क्या होती है, जो लोकोक्तियां टाइप की होती है ना, जो मतलब कहावतें होती हैं जिनको बोलते हैं अपन, जो करेगा सो भरेगा, मतलब एक चीज क्या होती है दूसरी चीज पर क्या होती है, आधारित होती है, या फिर क्या होती है, डिपेंड होती है। तो परिभाषा क्या होगी? ऐसे सर्वनाम शब्द जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में संबंध व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि संबंध को बताने के लिए कारक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? जैसे उदाहरण की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो उदाहरण क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? जैसे मैंने यहाँ पे दिया, जो करेगा सो भरेगा। देखो, जो एक सर्वनाम हो गया, इस शब्द को जोड़ रहा है, सो क्या कर रहा है, इस शब्द को। तो ये वाली चीज क्या है, इस वाली चीज पर क्या हो रही है, डिपेंड हो रही है। और दोनों के बीच को क्या बता रहा है, वो जो इसके मत समय बता रहा है, सो इसके मत समय बता रहा है। तो एक ये दोनों जो होंगे, ये क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इसी प्रकार से जितनी भी कहावतें होती हैं वो सब उसी में आती हैं। जैसे इसमें आएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंसिया, भैंस। तो जिसकी और उसकी क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। और क्या लिखोगे इसमें? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जितने भी प्रकार की कहावतें होती हैं जो एक दूसरे पर क्या होती हैं, आधारित होती हैं, इसमें क्या जाएगा, जैसा यहां जाएगा वैसे, यहां जिसकी, यहां क्या जाएगा उसकी। तो इस तरह की जितनी भी कहावतें होती हैं जिनमें कारक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, वो क्या होता है अपना, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। तो आज हमारा ये संज्ञा एवं सर्वनाम से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था हमारा, जो हमने प्रकार पढ़ा था, वो क्या हो गया है अपना, कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज तक जितना मैंने हिंदी पढ़ाया आपने अच्छे से पढ़ा होगा और उसको समझा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।